सरिस्का नेशनल पार्क में छिपा आदमखोर बघेरा, वन विभाग, पुलिस और अलवर जिला प्रशासन के लिए कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की तरह पहेली बन गया है। जिस तरह से आनंद पाल अपनी शातिराना चाल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, ठीक उसी तर्ज पर नरभक्षी चालाक पैंथर भी चार दिन से 250 लोगों की सर्च टीम को छका रहा है। आपको बता दें कि पैंथर की चालाकियों से सर्च टीम के जवान हताश हो गए हैं। इसका असर ये हुआ कि अल सुबह से रात तक करीब 13 घंटे चलने वाला तलाशी अभियान अब सिर्फ शाम के वक्त 4 घंटे ही चला करेगा। आनंद पाल से चुनौती बन गया नरभक्षी बघेरा, लगातार नाकामी से सर्च टीम हुई हताश, अब सिर्फ 4 घंटे ही चलेगा सर्च ऑपरेशन। नरभक्षी पैंथर की तलाश में जुटी सर्च टीम में शामिल जवान और वनकर्मी सरिस्का में भटकते भटकते हताश हो गए हैं। इसे देखते हुए सर्च ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले अधिकारियों ने तलाशी अभियान अब पूरे दिन की बजाय शाम को सिर्फ 4 घंटे तक ही चलाने का फैसला किया है। आदमखोर बघेरे की तलाश में जुटी टीम ने रविवार से लेकर बुधवार शाम तक 4 दिन में 30 किलोमीटर एरिया छान मारा। जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला है उस दायरे में करीब 1 दर्जन गांव आते हैं। इन्हीं गांवों के आसपास नरभक्षी पैंथर ने लोगों पर हमला किया है। सर्च अभियान में 250 लोग जुटे हैं, इन्हें 3 टीमों में बांटा गया है। सर्च टीम में पगमार्क के विशेषज्ञ, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के जवान, पुलिस के शार्प शूटर्स और वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सर्च टीम ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से बघेरे को तलाश रही है। लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद नरभक्षी बघेरे का कोई सुराग नहीं लगने से सरिस्का में पढ़ने वाले गांव के बच्चे दहशत में हैं। बच्चे अकेले स्कूल जाने से डर रहे हैं तो ग्रामीण भी खेतों में काम करने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि जाने कब बघेरा हमला कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।